सुबह में है। आज क्या होगा ये मैं आपको दिखाऊंगा, आज का नाश्ता आप मेरे साथ करेंगे। मैं तो इनको बता रहा था कि आप इंडिया गए हैं शाहरुख खान की फिल्म करने, उसका पटेला टूट गया। खवातीन को देखना पसंद करते हैं लोग या साहिर को? ये दो घंटे से बॉस के पांव दबा रहा था कि बॉस चलना शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? मैं जी इस वक्त मैं कैदी हूँ, ये पुलिस वाला है। शादी होगी वैसे अगर तुम्हारी सीन ऑन है? कभी सोचा था कि सी नॉन है मैं भी आना होगा? इसको भागने मत, ये बताओ ये अगले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे? इस हवाले से चेक करके आपको बताएंगे। मैं सलाम करना वोट के लिए आपने 5 रुपए का ई लोड करवाना है, नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। कभी तो तुमको याद आएगी वो बाहर वो समा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज की सुबह एक बड़ी मुख्तलिफ सुबह है। मैं जहाँ हूँ वहाँ इससे पहले मैं हज़ारों मरतबा आया हूँ, लेकिन आज पहली मरतबा कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूँ। आज सुबह का नाश्ता आप लोग मेरे साथ करेंगे। आज ये वो शो है जो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। घबराइए मत, सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, घबराइएगा बिल्कुल मत। मैं जहाँ खड़ा हूँ इसे रोजी गोट का इलाका कहते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, यहाँ की गलियाँ दिखाऊँगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ चारों तरफ मेरे कच्ची आबादियाँ हैं। नदीम अगर तुम कैमरे में दिखा सकते हो तो ये सारी की सारी आबादी दिखा दो, चारों तरफ मेरे जिस तरफ नज़र जाती है उस तरफ कच्ची आबादी है। मैं यहाँ एक मचान जैसे पुल पर खड़ा हूँ और इस पुल पर खड़े होके आप देख सकते हैं कि हद नज़र तक जिस जगह भी मेरी नज़र जा रही है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ जिस जगह भी मेरी नजर जा रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास है। इनफैक्ट नदीम इधर आओ, जरा मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वो शहर है जो पाकिस्तान की 70% मईशी सपोर्ट करता है, माशी सपोर्ट करता है। 70% पाकिस्तान को ये मईशत में सपोर्ट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। ये सामने देखो, ये सामने इधर देखो, ये तुमको ये झोपड़ियां नजर आ रही हैं। यहां पर कुछ ऐसी फैमिलीज रहती हैं जो दिन में एक मर्तबा खाती हैं। ये जो आपको कच्चे मकानात नज़र आ रहे हैं जो ईंटों से बने हुए हैं, इस इलाके के अंदर ये तकरीबन 2.5 से 3 मील का रेडियस है, इस इलाके के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ अगर कोई मर जाता है तो कभी कभी उसको नहलाने के लिए आधी से भी कम बाल्टी पानी इस्तेमाल होता है। यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि यहाँ से वो पैसा दे के अब्बासी शहीद जा सके या जन अस्पताल जा सके। वो यहाँ पर सिसक कर इंतज़ार करता है। अगर कोई रात को बीमार हो जाता है तो इंतज़ार करता है कि कल सुबह इतना पैसा हो जाए, 5 या 10 रुपए हो जाए या 20 रुपए या 30 रुपए हो जाए कि उसके पास बस में अपने बीमार माँ को, भाई को, बहन को, बेटे को ले जाने के लिए इतना पैसा उसके पास हो। मैं बात क्योंकि चूँकि ये प्रोजेक्ट मेरा है, ये SLF का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आपका है, ये प्रोजेक्ट समा का है, ये प्रोजेक्ट उन तमाम लोगों का है जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है। मैं यहाँ पर आज सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जगह है कैसी। आप हद नज़र तक देखिए। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के प्रोग्राम्स में स्टोरीज़ ही स्टोरीज़ हैं। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊँगा जो पिछले कई सालों से आर्थराइटिस के पेन का शिकार था और कल पहली मरतबा वो ज़िंदगी में उठा है क्योंकि कल पहली मरतबा उसको इंजेक्शन लगा था। इमेजिन कीजिएगा, मैं आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाऊँगा जो अपनी ज़िंदगी खो चुकी थी लेकिन वो वापस आई क्योंकि यहाँ पर एक क्लिनिक खुला है। आज मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को बैठ के देखिए। आज का नाश्ता आप मेरे साथ कीजिए। कसम खुदा की, मैं नॉर्मली आपने मुझे देखा है, मैं कभी कसम वगैरह नहीं खाता। आप आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप ये शो ज़रूर देखिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। मैं उन लोगों के लिए मदद मांगूंगा जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। जब हमने ये क्लिनिक शुरू किया था, यहाँ भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन क्लिनिक से पहले मैं आपको यहाँ ज़िंदगी दिखाऊंगा कि किस तरह की ज़िंदगी है। जब हमने ये क्लिनिक शुरू किया था तो हमने सोचा था कि 30 मरीज़ रोज़ हम देख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये क्लिनिक, ये जॉग दर जॉग, देखें लोग आ रहे हैं। इनको हमने नहीं बुलाया और हमारी क्लिनिक के टाइमिंग्स 3 बजे से हैं, लेकिन ये सुबह 9 बजे से इनको पता चल गया है कि आज हम अपने क्लिनिक के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। इधर देखना नदीम, जब हमने ये क्लिनिक शुरू किया था तो हमने ये सोचा था कि हम
30 मरीज अगर देख लें तो बहुत बड़ी बात है। 3 बजे से 6 बजे क्लिनिक का टाइम है। मैं चाहता तो यहाँ बाहर से लोग बुला के भर देता और आपको दिखाता कि 1000 लोग यहाँ पर क्लिनिक के लिए खड़े हैं। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नेक नियति पे, जो चीज़ ऑनेस्टी पे मबनी नहीं है वो मैं नहीं कर सकता। पूरी ऑनेस्टी के साथ यहाँ जो आ रहा है उसकी अपनी कहानी है, मैं किसी को नहीं बुलवा रहा। अब 30 मरीज़ हमने कहा था कि हम 30 मरीज़ अगर देख लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज हम उस मकाम पे हैं जहां हर रोज़ हम 200 पेशेंट्स देख रहे हैं। 200 पेशेंट्स यहां लोग लियारी एक्सप्रेसवे से आते हैं, न्यू लियारी से आते हैं, सुरजानी टाउन से आते हैं, न्यू पता नहीं कौन सा टाउन है उधर से आते हैं, तेसर टाउन से आते हैं, मेमन गोट से आते हैं। 200 पेशेंट्स एवरी सिंगल डे फ्रॉम 3 to 6 पीपल आर कमिंग हियर इन फ्लॉक्स। इरादा ये है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आएँ चलते हैं, मेरे साथ यहाँ नवीद रजा हैं। नवीद भी आ चुके हैं मेरे पास और मैं नवीद से भी बात करूँगा। घबराना मत नवीद, कैसे हो, कैसा लग रहा है? सर यहाँ पे आके जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, व्हाट यू आर डूइंग इज अ ग्रेट थिंग। होप, जो मुझे यहाँ पे आके होप दिखी है ना, उसने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया। क्योंकि इस गली से मैं देख रहा हूँ कोई व्हील चेयर पर आ रहा है, उस गली से मैं देख रहा हूँ कोई बैसाखियों पर आ रहा है, उधर से देख रहा हूँ कोई अपने आप को घसीटता हुआ आ रहा है। लोग आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं लोग? इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे एक क्लिनिक है जहाँ पे होप है, वहाँ पे कोई आपको गलत सिरिंज नहीं लगा देगा। उन्हें पता है वहाँ पे कोई इस्तेमाल की भी 10 दफ़ा की सिरिंज नहीं लगा देगा। उन लोगों को वहाँ पे पता है कि अगर डॉक्टर मुझे जो मेरी भले मैं ला इलाज हूँ, लेकिन डॉक्टर मुझे जिस हद तक ले जाके सही कर सकता है वो करेगा ज़रूर। और पता है ये क्लिनिक मैंने अपनी मदर के नाम पर रखा है। इस क्लिनिक का नाम है रोशन क्लिनिक, और ये हॉस्पिटल जो बनेगा साहिल लोधी फाउंडेशन का, ये भी रोशन हॉस्पिटल कहलाएगा। और हमारा मोटो ये है कि आर लाइट्स आर नेवर ऑफ, हमारी रोशनियाँ कभी कम नहीं होंगी। इसी क्लिनिक को हम 24 घंटे करेंगे, और 16 जून 2018 को जब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसी यहाँ पर, एक 100 बेड का हॉस्पिटल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़िंदगी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ज़िंदगी है कैसी। ज़रा मेरे साथ आइएगा और दिल को थामिएगा, चाय पिए अपने घर में, नाश्ता करें, लेकिन मेरे साथ रहें। आज आप मेरे साथ रहें, आज मैं आपको ज़िंदगी दिखाता हूँ। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ लोगों के पास नौकरी नहीं है। यहाँ पर नीचे भी एक आदमी मिला है मुझे, वो कहता है जी हमारी मिठाई की दुकान हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। अभी मिलवाऊँगा मैं आपसे, हम चल सकते हैं, नीचे चल सकते हैं। आइए जी, आइए जी, ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे उतर रहा हूँ, अभी मैं आपको क्लिनिक पे भी लेके जाऊंगा। क्लिनिक पे, अच्छा, क्लिनिक पे कुछ लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ये क्लिनिक क्यों बनाई है ये आपको अभी पता चल जाएगा। और साहिब बिसाइड दैट मैं देख रहा था यहाँ पर कि लोगों के पास लगता है, आ जाए। अच्छा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नदीम को भी बुला लें नीचे, नदीम को बुला लें, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ज़िंदगी है कैसी। अब ज़रा मेरे साथ आएँ, ये वो शहर है जो पाकिस्तान की 70% माशी हेल्प करता है, 70% पाकिस्तान को रेवेन्यू प्रोवाइड करता है ये शहर। और यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है इस एरिया के अंदर। ज़रा मेरे साथ आइएगा, मैं आपको वो गलियाँ दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मेरे साथ आ जाएँ, और इसके बाद हम क्लिनिक की तरफ भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो गलियाँ दिखाना, ये गलियाँ आम सी गलियाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल आम से लोग रहते हैं जो मेरी और आपकी तरह से हैं। क्या इनकी ज़िंदगी इसीलिए है कि ये इसी जगह रहें? क्या इनके पास क्लिनिक नहीं होनी चाहिए? क्या इनके पास हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज मैंने यहाँ पर ये काम किया है। मैंने यहाँ पर ये काम क्यों किया है? मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमाता हूँ। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं दुनिया के बेहतरीन अस्पताल को अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर अस्पताल अफोर्ड करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जब यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो इनके पास किसी क्लिनिक में जाने के पैसे नहीं है। ज़रा मेरे साथ आइएगा, मैं आपको ये गली दिखाना चाहता हूँ। क्यों है कि इनके बच्चों के पास पार्क नहीं है, ऐसा क्यों है? आई मीन मैं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके बच्चों। इमेजिन कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से इन गलियों को देखें, गौर से। वो जो बच्ची है उस बच्ची को देखें, उस बच्ची के पास नीचे उसके पास जूते नहीं है, शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी शूज़। गटर होल्स खुले हुए हैं सर, चीज़ें देखें, आप कचरा पता नहीं कब से पड़ा हुआ, लुक एट दिस, पड़ा है भाई, लुक एट दिस। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ उम्मीद भी बहुत मुश्किल से पलती है, यहाँ उम्मीद भी बहुत मुश्किल से पलती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये सब लोग भी जो हैं क्लिनिक के अंदर ही जा रहे हैं। लेकिन भाई जो मैं आपसे होप की बात कर रहा था ना, जो गलियों गलियों से लोग निकल के आ रहे हैं, ये देखें, क्या कह रहे हैं? ये अपना कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, इनको कचरा जलाना पड़ता है।
सर उठाने वाले तो ये है कि जो है ना अपने ही यहाँ पे कोई वो नहीं है कि जो है ना कोई सूरत हाल नहीं है और गलियों में कचरा फेंक देते हैं। अब बच्चे हैं, खेलते हैं, उनसे बीमारी फैल रही है और यहाँ पे हम तो यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल। तो आप लोग के पास कोई उठाने वाला नहीं है तो आप लोग अपने तो इन्फेक्शन मारने के लिए से जला देते हैं। आप लोग जाएं बहन, आप लोग जाएं, उधर ही जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। अच्छा ये तो क्लिनिक पे जा रहे हैं, अब हम क्लिनिक की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आज बिलाल कुतुब साहब आ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट ब्रेक के अंदर हम बिलाल कुतुब साहब से, बिलाल कुतुब साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, मेरे दस्ते रास्त हैं, मेरे अजीज़ दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं, तो वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग। ये कराची है जी, ये कराची है, दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये कराची है, यहाँ इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यू हैव नो आइडिया हाउ आई फील। यहाँ क्लिनिक मैंने क्यों बनाया, आइए हम क्लिनिक की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों बनाया। जब मैंने ये लैंड अक्वायर की ली तो हम 100 बेड का अस्पताल बनाना चाहते थे। 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है। 7 मंजिला 100 बेड का अस्पताल और हम यहाँ बनाएंगे, मैं आपको भी थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो जब हमने अस्पताल की बात की तो उनमें से यहाँ पर एक शख्स था, उसने कहा कि साहिर भाई अस्पताल के आने तक क्या लोग बीमारी रहेंगे। इस वजह से हमने ये क्लिनिक बनाया। और ये क्लिनिक ऐसा क्यों है, अब जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ काम किया है। ये क्लिनिक अंदर से ऐसा क्यों है, मैं जब इस इलाके का सर्वे कर रहा था तो जिनके साथ मैं सर्वे कर रहा था उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ गया मैं और मैं सर्वे करने लगा, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा क्या क्या सिलसिला है, तो कहने लगे साहिर भाई जब मेरी मदर बीमार हुई थी तो मैं उनके सिराने बैठा रहा था पूरी रात, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको किसी अस्पताल में लेके जा सकूं। तो हमने सुबह तक का वेट किया था। मैं इसके आगे की स्टोरी आपको नहीं बता रहा। जब मेरी मदर बीमार हुई थी और अब भी बीमार हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ करूँगा जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ। जब मेरी मदर बीमार होती हैं तो हम आगा खान की बात करते हैं, हम OMI की बात करते हैं, हम लियाकत की बात करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े अस्पतालों की बात करते हैं, हम अब्रॉड जाने की बात। इनफैक्ट आई वॉज टॉकिंग टू पीपल इन लंडन, आई वॉज टॉकिंग टू पीपल इन थाईलैंड, आई वॉज टॉकिंग टू पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि बात माँ की है, बात माँ की है। तो अब सवाल क्या मेरी माँ और किसी और की माँ मुख्तलिफ है? आज आप पे लाजिम है, आज आप पे लाजिम है कि आप ये शो ज़रूर देखें। मैं अब जा रहा हूँ क्लिनिक की तरफ, आपको वहाँ सिर्फ लोग दिखाऊँगा, क्लिनिक में अभी दाखिल नहीं होंगे। क्लिनिक मेरा ख्वाब है, ये क्लिनिक जो अब 3 घंटे चलती है, 200 पेशेंट्स रोज़ देखती है, इसी क्लिनिक को हम 24 घंटे करने जा रहे हैं और मार्च में ये 24 घंटे क्लिनिक हो जाएगा। साहब मैं अभी एक जो चीज़ देख रहा था वो बड़ी एक अल्टीमेट सी चीज़ थी कि वहाँ क्लिनिक पे लिखा हुआ है कि 3 to 6 एक टाइमिंग है, लेकिन जो होप आपने इस एरिया में लोगों को दे दी है ना, लोग उस टाइम से बियॉन्ड भी आके वहाँ बैठ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपकी टीम है वो उनको अटेंड कर रही है, वो ये चक्कर नहीं है कि 3 बजे भाई खुलेगा आना 3 बजे, लेकिन तो ये सोच है, ये होप नहीं है, एक सोच है। तो हमें आज इस सोच को सपोर्ट करना है। अगर हम इस सोच को सपोर्ट करेंगे तो उसके साथ होप, उसके साथ हॉस्पिटल, उसके साथ क्लिनिक, उनकी ये इन लोगों की बेहतरी के लिए होगा। उसको सो आई थिंक वी शुड डू इट एंड यू शुड वॉच द शो, पूरा शो देखें। और अगर आपको लगता है कि यू शुड बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इनकी माँ, इनकी बहन, ये बच्चे, वी आर सपोर्टिंग फ्यूचर, सो वी शुड डू इट, वी शुड डू इट। और मुझे अब, मैं आपको बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, मुझे फंड्स की ज़रूरत है, हमें फंड्स की ज़रूरत है। ये क्लिनिक चलाने के लिए पैसा चाहिए। इमेजिन कीजिए कि हमने सोचा था कि हम 30 पेशेंट रोज़ाना ट्रीट करेंगे, इस वक्त हमारे पास 200 पेशेंट आ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन 6, 7, 8, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की दवाएं आ रही हैं हर दूसरे तीसरे दिन। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो हमें उसके लिए, हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते। मैं ये नहीं, मैं किसी माँ को ये नहीं। एंड बाय द वे मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको याद होगा एक बच्चा था जिगर, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। डॉक्टर ताहिर शमसी, आई लव यू, जिगर चेतन उसका नाम था, वो ठीक होकर अपने घर जा चुका है। NIBD का बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू सर। एंड एक और खालिक साहब हैं जिनको हमने, आपको याद होगा कि उनकी बेगम ने मुझसे ये कहा था कि साहिर भाई अल्लाह मियाँ तो तिनके में जान डाल देता है। खालिक साहब का वीज़ा इंडिया का आ चुका है, खालिक साहब मंडे को ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्लिनिक की तरफ जाएंगे, मैं आपको क्लिनिक दिखाना चाहता हूँ और फिर केसेस से बात करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लिनिक हमने ऐसी क्यों बनाई है। क्लिनिक हमने ऐसी इसलिए बनाई है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है,
हर चीज़ नई है, ब्रांड न्यू है, हम कोई दवाओं में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई सिरिंज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि 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 जो जैसी सेहत मेरी माँ की है डेफिनेटली वैसी दूसरे माँ की है। और दूसरी चीज़ ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब ये आते हैं, आप स्लम की तरफ आते हैं, तो आप देखते हैं कि एक सिरिंज 10 लोगों को लग रही होती है, मेडिसिन जाली दिए जा रही होती हैं, और 10,000 चीज़ें जो हम आए दिन देख रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर कंट्रोलिंग, दिस इज होप। अस्सलाम वालेकुम, द होप आई टोल्ड नवीद, नवीद यहाँ रानी आपा मौजूद है। रानी आपा अस्सलाम वालेकुम। उमर राहिल कहाँ है? आइए डॉक्टर साहबा, कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ देख के? बहुत अच्छा, अपने अपने और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना खुलूस से ये लोग आए यहाँ पे, अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। अच्छा, पहले अभी कैमरा जब जाएगा तो आप लोगों ने तालियां बजानी है, ये आपकी वजह से हमने एक क्लिनिक यहाँ पे खोली है। सबसे पहले मुझे बताएं, आपको क्लिनिक खोली जो है इसकी खुशी हो रही है? बजाएं तालियां, बजाइए तालियां, बजाइए सबके सब। हटो जरा, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मैं इन जैसा हूँ। दीज आर माई पीपल, अगर मैं इनसे रिलेट नहीं कर सकता तो मैं पाकिस्तान से रिलेट नहीं कर सकता। अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग वो फैसिलिटी नहीं चाहते हैं। अगर मैं इनके साथ नहीं हूँ तो मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। अगर मैं इनके साथ नहीं हूँ तो मैं अपने साथ नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी माएँ हैं, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये भाई मेरे भाई हैं, और ये मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। आज का शो आपने ज़रूर देखना है। मैं आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि मैं ऑनेस्टली हम सब के सब ड्रेन्ड हो चुके हैं, अब हमें आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये फ्लॉक सिर्फ आप एक दिन का देख रहे हैं, मेरे पास एक दिन में 200 पेशेंट्स आते हैं। मैं अभी आपको फाइल्स दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आप चाहते हैं कि वो पेशेंट हम रिटर्न कर दें, नहीं ना। और एक बात और, जिसको ये पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में खुली दावत है, जो शख्स हमें दुआ देगा वो भी हमारी बुक्स चेक कर सकता है, जो शख्स हमारे साथ काम करेगा वो भी हमारी बुक्स चेक कर सकता है, जो हमें एक रुपये का चंदा देगा वो भी हमारी बुक्स चेक कर सकता है। और जिस तरह से होप की बात कर रहे थे, अभी नंबर्स आ रहे हैं, हमने कॉल्स देनी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल, मेरे पास एक डॉक्टर सर, डॉक्टर कमर पास का फ़ोन आया, उन्होंने कहा आई विल गिव माय सर्विसेज, जिस तरह से भी दे सकता हूँ मैं दूंगा मैं आके, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम, थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम के पास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ीशान, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान के लिए बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। साथ साथ नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इमदाद का, आपकी भी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल कुतुब साहब अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे, जब हम अब कैमरा खोलेंगे तो हम रोशन क्लिनिक पर जाएंगे। इसके दो रीजंस हैं कि मुझे फ़ख्र है, एक तो ये कि ये मेरी मदर का नाम है, ये जो क्लिनिक आप देख रहे हैं ये मेरी माँ के नाम पर है। मेरी माँ ने, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था, वो उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, और सारी ज़िंदगी वो लेटे लेटे इस वक्त भी सिर्फ दुआएं करती हैं। आज इस वक्त वो प्रोग्राम आपका देख रही हैं और दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला रोशन क्लिनिक को कभी बंद ना करे और ये हमेशा चलती रहे। क्लिनिक से तो सर इसे हॉस्पिटल होना है, और अभी तो सिर्फ ये क्लिनिक है ना, जब हम अगले आवर में आएंगे, अभी तो अगली ब्रेक में मैं आपको दिखाऊंगा ये रोशन क्लिनिक क्या है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि साहिर लोधी फाउंडेशन का रोशन हॉस्पिटल क्या है, वो प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि यहीं पर इसी जगह रोजी गोट में 100 बेड का 7 स्टोरी हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी अली क्या कह रहे हैं अली? अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप हमारी टीम से मिलेंगे, आप उमर राहिल से मिले हैं, आप रानी आपा से मिले हैं, अब आप मुलाकात करेंगे गुलजार साहब से, अब आप मुलाकात करेंगे डॉक्टर फैसल ज़िया से। ये वो लोग हैं जो दिनों रात काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी शाये हुए नहीं होते, ये वो लोग हैं जिनके लिए जितनी तालियाँ बजनी चाहिए उतनी कम है, ये वो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। अब जब हम वापस आएंगे अगली ब्रेक में तो मैं आपको क्लिनिक दिखाऊंगा, फैसल से मिलवाऊंगा और गुलजार साहब से मिलवाऊंगा, ऑफ कोर्स ज़ेबा शहनाज़ इज़ हियर, ज़ेबा शहनाज़ साहिबा से भी मिलवाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे
जमा के साथ मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं आपको क्लिनिक के अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ पर एक अजीब सा केस हुआ है अभी एक केस भी आपको बताऊंगा, बड़ा अजीब सा केस है लेकिन आपको पता चलेगा। अभी बताता हूँ अभी, और ये सब कुछ अभी हुआ है। एक केस ऐसा हुआ है कि एक खातून है जो प्रेगनेंट है, उनकी जो प्रेगनेंसी है, उनके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो ख़त्म हो गई है और उनके पास 4,000 रुपये नहीं है कि वो उसको अबॉर्ट करवा लें। यहाँ पर अभी हम उसको चेक करेंगे और इसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट बताएंगे और इसके बाद उनको पैसे दे के भेजेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन 3 महीने से उनके शौहर के पास नौकरी नहीं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू से हेलो टू ज़ेबा आपा। ज़ेबा आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिर, कैसे हो? बहुत मुबारक हो, आप इतने अच्छे और नेक काम की इब्तिदा कर चुके हो और मैंने आपसे वादा किया था कि इसमें मैं आपके साथ होंगी और बड़े अच्छे अच्छे लोग आपके साथ शामिल हैं। आपा, मैं आपसे इब्तिदा करवाना चाहता हूँ, ये माइक लीजिए, आपसे इब्तिदा करवाना चाहता हूँ। इस वक्त ब्लूमबर्ग चल रहा है, हमें क्लिनिक को रन करने के लिए इस वक्त 60 से 8 लाख रुपए महाना चाहिए होता है, महाना, क्योंकि 200 पेशेंट एवरी डे, 6,000 पेशेंट हम लोग हर महीने के अंदर ट्रीट करते हैं। तो आप अपील कीजिए, इस वक्त ब्लूमबर्ग चल रहा है कि जितने पैसे हो सकते हैं वो हमें डोनेट करें, आपने अपील करनी है। मेरा ख्याल है कि मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो ऐसे वक्त में जब कोई किसी को कहता है कि आए हमारा हाथ मजबूत करें, वो आगे बढ़ते हैं और आप लोग वो हैं। पाकिस्तान में हमारे मुस्लिम भाई हों या कोई और, कैमरा उनको भी दिखाई, क्योंकि इनके लिए अपील हो रही है, तुम लोगों के लिए अपील हो रही है, तुम लोगों ने तालियां बजानी है, आगे बढ़ना है। आज हम लोग खुदा की बस्ती सरजानी टाउन में हैं और ये वाकई वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं हमारे लिए कि हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हम शहर के उस पार रहने वाले बहुत लोगों को भूल जाते हैं। आज आप लोगों ने ये बताना है कि वाकई इनके लिए हम लोग मौजूद हैं और हम इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। साहिर लोधी ने इस बेड़े का एक कप्तान की हैसियत से इब्तिदा की और हम सब इस बेड़े में बैठे हुए हैं और हम सब चाहते हैं कि ये काम बहुत खूबसूरती और ईमानदारी से हो और हमने इसको आगे भी करना है। मैं गुलजार भाई को बुला रहा हूँ, फैसल को बुला रहा हूँ, इधर आओ भाई, सबसे ज्यादा काम आप लोग करते हैं। ये गुलजार भाई हैं, गुलजार मुगल साहब हैं, गुलजार मुगल साहब, और डॉक्टर फैसल के लिए तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कैसा लग रहा है, आपने पौधा लगाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है देखकर, जैसे माशाल्लाह जो हमने छोटा सा काम जिसका हमने आगाज किया था, अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हम प्लान कर रहे हैं कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, चूँकि बड़े मसाइल होते हैं, मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं कोई झूठ उठी सीधी सीधी बात करता हूँ। हम एक जगह मीटिंग में बैठे हुए थे, मैं, ये और फैसल, तो हम कभी कभी बड़े थक जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये गुजार भाई मुझे कहने लगे, साहब भाई अगर हम एक बहुत बड़ी क्लिनिक बना लें, अस्पताल का ख्याल छोड़ दें। मैंने आपसे क्या कहा था? आपने कहा था कि ये छोड़ दें, ये बन गया इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। क्योंकि मेरे लोगों को हम शॉर्ट चेंज नहीं करेंगे, 14 अगस्त है कल, हम लोगों को शॉर्ट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 50 करोड़ रुपए खाली हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे खर्च करने का साहिब भाई प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा इक्विपमेंट के ऊपर तो मेरा ख्याल 30-35 करोड़ रुपए अलग लगेंगे, तो ये कोई 75 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि ये 3 साल में कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, मगर इंपोर्टेंस देख कर में ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, वो जब भी किसी जायज काम के लिए खर्चा करना हो सब अपना दिल खोल के देते हैं और ये ख्वाब पूरा होगा कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। सबसे पहली बात वो ये क्लिनिक का रन करना है, क्योंकि अगर ये क्लिनिक रन नहीं करती है तो फिर मसाइल हो जाएंगे। ये क्लिनिक का रन करना है। यहाँ पर ये जो आप आबादी देख रहे हैं, जरा दिखाइएगा, ये रोज का डेली एवरी सिंगल डे, ये इसी तरह का मंजर होता है, इसी तरह के, जब 3 से 6 बजे क्लिनिक शुरू होती है, 6 बजे के बाद इतने ही लोग बाहर यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि हमें क्लिनिक बंद करनी पड़ती है। हम हर दूसरे तीसरे रोज 20-25 हज़ार रुपये की मेडिसिन जो है वो खरीद रहे हैं। रीज़न क्या है, जब आप अंदर से क्लिनिक देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, देयर इज अ गुड न्यूज़, माय फादर कॉल्ड एंड ही सेड क्लिनिक के लिए ही इज डोनेटिंग 5,000 सिरिंजेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की क्लिनिक के लिए 5,000 सिरिंजेस मिली हमको, 5,000। अच्छा, ये रिपोर्ट मुझे दिखाइएगा, ये रिपोर्ट दिखाइएगा। इस रिपोर्ट से पहले मैं डॉक्टर फैसल ज़िया के बारे में बता दूं, ये ख्वाब मेरा, गुजार भाई का, फैसल का, उम्मे राहिल का, रानी आपा का, नवीद का, अली का, इन सब का, ये सब का हमारा ख्वाब है, सोनी मार्टन का, जरीन का, ज़ेबा आपा का, डॉक्टर हाशिम का, ये सब हमारा ख्वाब है, हमने बड़ी मेहनत की है सिलसिले में। अब डॉक्टर फैसल जो है वो मुसलसल काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैन, इट्स ऑल शुक्रिया कि एक टीम बनाई आपने,
और हम एक साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो आपका ख्वाब है, आपका विजन है 100 बेड हॉस्पिटल, ये 100 बेड हॉस्पिटल सिर्फ यहीं पे नहीं होगा, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आएंगे और जगह जगह हम बनाएंगे। सो आप लोगों के तआवुन की ज़रूरत है, आप लोग हमारी हेल्प आउट करें। बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर कुछ लोग आके विज़िट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आके जब वो देखेंगे मरीज़ किस हाल में आते हैं, इनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये दवा ले सकें, खाना खा सकें, और अगर ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा क्लिनिक स्टार्ट हो जाए यहाँ पे, जो भी चल रहा है क्लिनिक, जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं, तमाम मेडिसिन चाहे इंजेक्टेबल्स हों, वैक्सीनेशन हों, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं इस क्लिनिक पे, और जब हॉस्पिटल बनेगा तो आप देखेंगे उसको। अच्छा, बिलाल कुतुब साहब लाइन पे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। बिलाल भाई, बिलाल सलाम अलैकुम। बिलाल भाई, बन गया क्लिनिक? बिलाल भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिलाल भाई आपको मुबारक हो, बन गया क्लिनिक। अरे अरे अरे, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। और मैं आप अर्ज करूं, इस मुल्क में मैंने बड़े कम लोग देखे जो ख्वाब देखते हैं, आपने ख्वाब देखा, मैं दुआ गो हूँ, और इस बात से मैं इंतहाई ममनून हूँ अल्लाह का कि इस ख्वाब में हमारा हिस्सा भी मैंने डाला है। जब ये ख्वाब तामीर होगा तो हम ही इसमें शामिल होंगे। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, सारी जिंदगी के तजर्बे ने ये सिखाया है कि जब भी कोई शख्स अपना मकान बनाने लगता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक सबसे से है, अगर उसके पास ना भी पैसे हों, उसकी तिमकियत हो बनाने की, ना कि कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने उसका मकान खत्म होते देखा है, वो सफल हो जाता है। आपने नीयत अच्छी की है, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, खुदा की रहमत इस वक्त आप पे ही टपक रही होगी, वो चाहे आप टपके, चाहे बारिश में टपके, जैसे भी टपके, लेकिन ये मुकम्मल होगा। मैं खुदा की कसम कि आपकी आवाज जो है ना, ये सारे पाकिस्तानियों की आवाज मिलाकर आपसे कह रहा हूँ कि जो शख्स एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए बढ़ता है, एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए बढ़ता है, अल्लाह कहता है कि उसकी हुरमत जो है वो खाना काबा से ज्यादा है। अरे भैया, इस वक्त इस जगह पे तुम खड़े हो जहाँ खुदा की कसम जो रहमत उतर रही है ना, वो काबा की हुरमत से ज्यादा है। ये जो लोग तुम्हारे साथ खड़े लोगों से मांग रहे हैं, अल्लाह की कसम मैंने रमजान से तुमसे सीखा कि मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, और मैं अब मांगता हूँ तुमने साहिर लोधी बन के मांगता हूँ। और दोस्तों ने कहा कि ये मामला उलमा के हाथों में होना चाहिए, खुदा की कसम गलत कह रहे हैं। जो शख्स इस दुनिया में, इस मुल्क में लोगों की, बच्चों की ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है, बोन मैरो करवा रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट करा है, अरे भाई उससे बड़ा मुसलमान कौन होता है, उससे बड़ा आलमे दीन कौन होता है। मैं अपनी तमाम सलाहियतें आने वाली जिंदगी तक, जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूँ, मैं आपको डोनेट करता हूँ, मुझसे जो चाहे जिंदगी में लोग, मुझसे जो चाहे जिंदगी में करवाओ, मैं इस क्लिनिक के लिए, मैं लोगों के लिए, मैं जुमले में दिख गया जब आपने कहा कि ये मेरे लोग हैं, दीज आर माई पीपल, कि मेरे रसूल जब मस्जिद नबी में बैठे थे और उनके पास वो लोग बैठे थे जिनके जिस्म पे हमक आ रही थी, वहां पे अमीर लोग आए और कहा कि या रसूलल्लाह आप इनको उठा दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे और हम ईमान लेके आएंगे। अल्लाह ने वही की, अल्लाह ने वही क्या की, कहा कि ये लोग जो अमीर हैं इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मैं जिसको चाहूँ हदायत दूँ, और जब आइंदा ये आए तो इनसे कहो कि इन लोगों को जिनके जज्बों से बदबू आ रही है पसीने, इनको सलाम किए, इनको सलाम करें, फिर दाखिल हों। ये जो लोग आपके दाएं और बाएं खड़े हैं, इनको अल्लाह का भी सलाम, इनको हमारा भी सलाम, और इनको वो दुआएं हैं जो जिंदगी में अर्श जाएंगे इंशाल्लाह। पर लोग जो यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं के सदके में ये पाकिस्तान भी कामयाब होगा और ये साहिब लोधी फाउंडेशन का अस्पताल भी कामयाब होगा इंशाल्लाह। बिलाल भाई, आज का हमारा टारगेट जो है, क्योंकि हम इस क्लिनिक को 24 घंटे ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले मार्च से ये 24 घंटे क्लिनिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप एक अपील कर दीजिए। हमारा आज का टारगेट 2 करोड़ रुपए का है कि हमको वो चाहिए ताकि हम अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू कर सकें और इस क्लिनिक को जल्द से जल्द 24 घंटे कर सकें, ताकि ये लोग जो हैं उनको 6 बजे के बाद इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़े कि अगला दिन आएगा, उनको इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़े कि उनके बच्चों को या उनकी बहनों को या उनकी माओं को या उनके बेटों को या उनकी बेटियों को जो सिरिंज लगेगी उसके लिए उनको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोगों से अपील कीजिए कि वो, और जिसको भी बुक्स चेक करनी है
आई स्वेयर ये ओपन इन्विटेशन है, जिसको बुक्स चेक करनी है वो यहाँ पर आए। ये मैंने इमरान खान से सीखा है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो लोगों का ट्रस्ट होगा, और हमारी ऐसी ट्रांसपेरेंसी है, जो मुझे दुआ देगा वो भी बुक चेक करे, जो मेरे साथ खड़ा होगा वो भी बुक चेक करे, जो एक रुपया देगा वो भी बुक चेक करे, और जो 10 करोड़ रुपया देगा उसका भी आके वो भी बुक चेक करे। तो बिलाल भाई आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपील करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो लोग इमरान खान को देते हैं वो किताबें नहीं चेक करते, वो इमरान खान से यकीन करते हैं। जो साहिर लोधी को दे रहे हैं वो साहिर लोधी की किताबों पे नहीं, साहिर लोधी की जुबान पे यकीन कर रहे हैं। मैं बिलाल कुतुब साहिर लोधी की जुबान पे यकीन करता हूँ। मैं खुदा की कसम मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको सबसे पहले 1 लाख रुपया डोनेट करता हूँ, ताकि अल्लाह ताला इसको बरकत के तौर पे आपको 2 करोड़ बना दे और इसको रोशन ख्याल एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पे लोग आए और लोग मुखराजी के तौर पे नहीं, लोग VIP के तौर पे उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और वो जब यहाँ से वापस जाए तो वो सेहत के साथ भी जाए और दुआएं देते जाए। वो लोग जो यहाँ में हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं हतमन हाथ बांध के उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा की कसम अल्लाह ना करे कि आपको कभी ये तजर्बा हो कि आपके बच्चे बीमार हो, आपकी माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, कोई घर में आपके हादसा हो और आपको पैसों की जरूरत हो और आप जाने वाले कहीं के ना हो। खुदा की कसम एक लम्हे को ये सोच लिया जाए ना, क़यामत बर्पा हो जाती है। जिन लोगों के पास है आज, मैं उससे खुदा के वास्ते, खुदा के रसूल के वास्ते, नबी के सदकों के सदके में भीख मांगता हूँ कि अल्लाह के वास्ते उन गरीब लोगों का ख्याल करो जिनका ख्याल करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन तुम अपने फर्ज को इनका हक समझ के तक नहीं पहुंचा सके। आज ये फरीदा साहिर लोधी अगर अदा कर रहा है तो इसको अपने लिए जन्नत का दरवाजा बनाते हुए इसमें दाखिल हो, ताकि तुम्हारी कब्रों में ये ठंडक जो है तुम्हें उस वक्त महसूस हो जब तुमसे और कोई बात करने वाला मौजूद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर डोनेशन, आपका बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर के बाद ये मेरे पास पर्चा है मेरी जेब में, उसके बाद मैं आपको उस औरत से मिलवाऊंगा, उसके बाद उसको हम यहाँ से अपने क्लिनिक के अंदर भेजेंगे ताकि उसकी रिपोर्ट हम आपको बता सकें। ये बकाई की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक उसके अंदर जो फीटस है वो मर चुका है, उसकी धड़कन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसको अबॉर्ट करा ले। हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट है, हम अंदर पहले उसको भेजेंगे ताकि उसका टेस्ट रिजल्ट हम आपको बताएं। सबसे पहले बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ और स्टोरीज़ हैं वो आपसे मिलवाएंगे, फिर मैं आपको क्लिनिक के अंदर लेके चलूँगा। मुझे आपके डोनेशन चाहिए, अब आप मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे उन लोगों के लिए चाहिए जो अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते। यहाँ पर हम पानी की बोरिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर हम हाथ धुलाने के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्कूल बना रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए ये सब का सब उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप मदद करेंगे। आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ फॉर गॉड सेक हमारी मदद कीजिए ताकि हम इनकी मदद कर सकें। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं ले ले सकते हम, ले सकते सीधा जा सकते हैं, बताएं मुझे ब्रेक। बता दीजिए, अच्छा बुला सकता हूँ मैं इनको। अच्छा ये खातून जो है ये मेरे पास आ जाएं, ज़रा इनको बुलाएं, बहन इधर, बल्कि इधर ही आ जाएं, डॉक्टर साहब इधर आए यहाँ पर, अंदर ले गए। अच्छा उन खातून को अंदर ले गए, अभी मैं क्लिनिक के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं आपको एक और, ये डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ी सी तफसील बता दें। जी एक मिनट, आइए सर आप भी आइए। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये अमीम साहब हैं, अमीम साहब भी बेतहाशा तालियाँ अमीम साहब के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। और ये मुर्तज़ा भाई हैं जो मदीने से आए हैं, SLF फाउंडेशन ने, साहिर लोधी फाउंडेशन ने, आपके यहाँ पानी का प्रॉब्लम है? हमने 3 प्लॉट्स मुर्तज़ा भाई को दिए हैं और मुर्तज़ा भाई ने उन 3 प्लॉट्स पे ये किया है कि ये एक ऐसा मुर्दा खाना बना रहे हैं जहाँ पर मैयतों को मदीने और मक्के की तरह गुसल दिया जा सकेगा। आपको ये सहूलत देने जा रहे हैं और वो एक मोर्चरी आप बना रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लोधी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके ताबून से मुझे ये जगह मिली, तो इंशाल्लाह मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे मक्का मदीना में ननिहाले के लिए इज़्ज़त और तकरीम के साथ उनको दफनाया जाता है, और उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ हम उसको प्रोवाइड करेंगे और इज़्ज़त के साथ। बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। अमीन भाई आप क्या कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है क्लिनिक देखते हुए? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकअल्लाहुल खैर। ज़ाहिर है मैं पहले दिन से साहिर भाई, साहिर लोधी फाउंडेशन और गुलजार मुग़ल साहब की काविशों को देख रहा हूँ, और रमज़ान के उस सख्त गर्मियों में और रोज़ों में जिस वक्त लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, ये तमाम हजरात लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। तो जाहिर है मैं और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता, ये ऑन लाइव प्रोग्राम जा रहा है,
तमाम लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि जो जो जिस तरह के दामे दरमे कलम कदम सुखने मदद कर सकता है, इनके साथ आए, इनके साथ आकर खड़ा हो और इसके इनके इस जज्बे को, कि जाहिर है कि एक ट्रेंड बन गया है, बल्कि एक फ़ैशन बन गया है कि फ़नकारों ने और इस तरह के लोगों ने ये शुरू कर दिया, लेकिन जब हम इनके अंदर जाते हैं और हम देखते हैं तो हमें, आप यकीन करें, अपने आप से शर्म महसूस होती है कि हमने अपने इतनी ज़िंदगी के अंदर, यानी वो चीज़ें जो ये अचीव कर रहे हैं, जैसे इन्होंने रोशन क्लिनिक अपनी वालदा के नाम पर स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह ये सेवन स्टोरी 100 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को इस काम में कामयाबी नसीब फरमाए। नेक माँ बाप की औलाद हैं, बेशक ये तमाम चीज़ें उन्हीं का सरमाया है जो आगे की तरफ जारी हो सारी हैं। अल्लाह ताला इनको, इनकी और इनकी आल औलाद में बरकत दे और इनकी और इनकी औलादों को भी इस तरीके से इनके लिए ये जज्बे खैर कसर बनाए। मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ आप लोगों से। हाँ जी, आपको अस्पताल का बनना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, मसाइल यहाँ पर क्या क्या हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई आप बता सकते हैं यहाँ के मसाइल क्या हैं भाई? यहाँ के पानी, बिजली, गैस और सफाई वगैरह सेहत के बड़े मसाइल हैं। यहाँ डॉक्टर, स्कूल भी नहीं है यहाँ पे, स्कूलों के लिए भी बड़ी परेशानियाँ हैं। और आपका अगर हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी काविश होगी। लोग, आपको ये क्लिनिक बनता हुआ कैसा लगा? जब ये बना है तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये दुआ करते अल्लाह करे ये बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, हमने, हमारा नज़दीक हो गया ये। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए कि आप इसको जल्द से जल्द तकमील के मराहिल में ले जाएं और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें यहाँ मैसर हों। अच्छा, आप ये तो आप इनसे पूछ रहे हैं कि क्लिनिक इससे पहले था क्या यहाँ पे? आप लोग कैसे इलाज कराते थे, कहाँ जाते थे? दूर दूर जाते थे, बहुत दूर दूर जाते। और वो सही थी जगहें जहाँ से आप लोगों को दवाएं मिलती थी और सिलसिले थे सारे? वो नहीं है, छोटे छोटे डॉक्टर हैं, पर्चियां लेके बैठे हैं। वो डॉक्टर भी नहीं होंगे? नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, बस या खुदा की वो जाना मेल नर्स होंगे, वो तो कोई भी नहीं है। वगैरह कंपाउंडर हैं, आप उनकी शक्लें देखें, वो तो डॉक्टर लगे ही नहीं रहे कहीं से उनके। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह के ये क्लिनिक खुलने से काफ़ी सारे लोगों को जो है शफा हुई है, मतलब बहुत सारे लोग थे जो यहाँ से नहीं जा सकते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने बहुत खुशी का दे दिया किसी ने। हाँ, ये सहूलियत दे रही है, हमने जिसे बने लगे ना उसके काम कर रहे थे ना, पूछा भी क्या बात है, ये जो चरपाई रखी थी बोले तुम्हारे लिए अस्पताल बन गया, हम बहुत खुश हुए। और अभी तो अस्पताल भी नहीं बना, अभी क्लिनिक बना, अस्पताल बनेगा, ये तो क्लिनिक है और इसके अंदर भी इसको भी हम 24 घंटे कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों में से किसी से बात करूं जी? किससे बात करूं? सबके मसाइल हैं, आपके क्या मसाइल क्या हैं मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगी, क्या मसले हैं यहाँ पे? यहाँ पे पानी का ज़्यादा मसला है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाती हैं? अब्बासी जाना पड़ता है। यहाँ पर पैसे इतने होते हैं कि आप आराम से आ जा सकते हैं, दवाई ले लेते हैं? नहीं, इतने नहीं होते पैसे, नहीं होते तो उधार बाड़ी लेके बंदा जा सकता है। क्या क्या? मेरी बहन की ज़्यादा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे तकलीफ़ होती है उनको और बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि कहाँ लेकर जाएं। सहूलत है लेकिन उन्हें दिखाएंगे तो पता चलेगा। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बिल्कुल फिक्र नहीं करें जी। क्या कह रही हैं आप जी? अस्पताल जाने के लिए पैसे तो इतने होते नहीं है, कभी आखिरी महीना होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत तंगी होने लगती है यहाँ। यहाँ पर जो हमने फ्री क्लिनिक खोला है इससे आपको कैसा लगता है? यहाँ तो अभी तो सही हैगा, ये कि थोड़ा बच्चों की दवाई ले लेते हैं। सभी जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, दवाओं से आपको फायदा हो रहा है? जी, फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा हो रहा है। सही, अच्छा, जाहिर सी बात है ना, एक ओरिजिनल और जेन्युइन चीज़ जो मिलेगी तो सही होंगे ना। अच्छा, जरा आप लोग इधर आइए, मैं आप लोगों को एक चीज़ एक शख्स से मिलवाता हूँ। इधर आए जरा फॉलो करें, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बूटा। बूटा साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है? ये पानी की, बिजली की? नहीं, आपकी सेहत का प्रॉब्लम क्या है? मेरी सेहत, ये गोडे नहीं चल रहा है। गोडे नहीं चल रहे? कल पहली मरतबा आपने इंजेक्शन लगवाया है? हाँ, लगवाया जी। फायदा हुआ है? हाँ, थोड़ा हुआ। कुछ लग रहा है कि अब आप चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल थोड़ा लगता। इनको किसी ने भी नहीं बताया था ये सुबह 8 बजे आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाठी के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि इनका इंजेक्शन लग सके। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो फ्री क्लिनिक खुला है ये कैसा लग, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गरीब आते थे, बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने। हाँ, से गरीब लोग थे, पैसे नहीं दे सकते, दवाई नहीं ले सकते। ये मैं हूँ क्या, मैं किराया दे सकता हूँ? मैं डंडी से चल के उतो आया हूँ, लहरी से है, किराया नहीं मेरे पास है गाड़ी से बैठने के लिए है, तो मैं कैसे दवाई लूँगा? ये तेरी बहुत मेहरबानी है भाई साहब। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है। आप
हाँ जी सर, मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान से जो है मेरा ये हाथ टूटा हुआ है, मैं इसका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी वाइफ भी जो है व्हील चेयर पर वो अंदर आपके हॉस्पिटल में आई हुई है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि मैं ये ऑपरेशन के अलावा 15,000 रुपये की ये प्लेट डला सकूँ, मगर मैं अब ये प्लेट डलाऊँ या ऑपरेशन कराऊँ या अपना हाथ इसी तरीके से ले कर चलूँ। खालिद अकरम साहब ने हमारे लिए 1,00,000 रुपए का डोनेशन दिया है, खालिद अकरम के लिए बहुत सारी तालियां। और फवाद रजा यही सरजानी टाउन से, उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी सैलरी से 3,000 रुपए हर महीना डोनेशन देंगे। अच्छा हम एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे और वो जो मैंने आपको खातून के बारे में बताया था उनके बारे में बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारा क्लिनिक दरअसल है कैसा। उसके बाद आपको अस्पताल भी दिखाऊंगा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डोनेशन चाहिए ताकि ये क्लिनिक कायम रह सके। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लोगों के साथ हूँ, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सलमा। सलमा नाम है आपका? हाँ। क्या मसला है? बेटा मेरा जिगर बढ़ गया है और गुड़दे में पथरी है, देख। अच्छा जी, ये इनका बहुत दर्द है, घुटने चल नहीं सकती, पकड़ के ले जाते हैं मेरे को। अच्छा, उमराई साहब, रानी आपा और नवीद, तुमने काम करना, तुमने इनको लेके जाना जब मैं इनको ले जाऊँ, इसके बाद आपने इनको अंदर लेके जाना है। आपको अभी हम दिखाते हैं। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ क्लिनिक खुल गई है? बहुत अच्छा है, बोझ का लेना अच्छा, दवाई अच्छी दे रहे हैं सब कुछ। अच्छा, ये इनकी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो रापा वेलफेयर मेडिकल सेंटर से हैं एंड मेटर्निटी होम, और ये मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा। ये बल्कि फैसल को देंगे, डॉक ये फैसल ये ले लो। अच्छा, आपका मसला क्या है जी? आपका मसला, मेरे को आज 15-20 दिन हो गए दवाई लेते, मैं बड़े मेरे को फ़ायदा, मेरे जिगर की तकलीफ है हाँ, और मेरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब हो रही है, अभी मैं इसको लेके आई, इसके पेट में दर्द इतना, उसे सारी रात होगी इसको मोशन लगी, इसकी तबीयत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। मेरे भाई, मेरे को भी, मेरा भी जिगर खून नहीं बना रहा है मेरे भाई, दाने हो रहे हैं, एलर्जी खुजली हो रही है मुझको ना, पेट में बहुत सख्त दर्द है, रात की मरोड़ियाँ लगी हुई हैं, मैं बार बार पेचिस बात लूँ तुम और घर पे बात। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, डेकोरेशन। अच्छा, ये बताएं कि क्लिनिक खुलने से फ़ायदा हुआ है आपको? बहुत फ़ायदा हुआ है हमको। अच्छा जी, हमने अंदर के मनाजिर आपने उसके, मैं भी लेके जाऊंगा साथ में, आप जरा इधर आइएगा फौरन। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बहादुर अली शाह है। बहादुर अली शाह, क्या करते हैं आप? डेली स्पेशल अखबार में होता हूँ साफ। आपको यहाँ के प्रॉब्लम्स का पता है क्या है? मुझे ये प्रॉब्लम का पता है, यहाँ पर ये जो आपने डिस्पेंसरी वगैरह बनाई है माशाल्लाह से, इससे बड़ा अच्छा काम हो रहा है और मरीजों को सहूलियत मिल रही है, और हम चाह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला करे आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पर, और गरीब लोगों के साथ तआवुन हो जाए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन खातून के बारे में मैंने आपसे बात की थी, सॉरी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि बहुत हबड़ दबड़ थी, ये अंदर नहीं गई थी, ये बाहर यहाँ बैठी हुई थी। इनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है और ये पता नहीं है कि रिपोर्ट मेरे ख्याल में तो सही है। क्या मसला, क्या ज़रा मुझे बताएंगी आप? भाई, मैंने 2 दिन पहले चेक कराया तो कहते हैं आपके बच्चे की दिल की धड़कन बंद है, अगर से नहीं चलती तो सफाई करवानी पड़ेगी, और मेरे शोर का काम नहीं है, मैं सफाई नहीं करवा सकती। आप नहीं कर सकती? नहीं। कि आपके पास पैसे नहीं है? जी, पैसे नहीं है और मेरे मियाँ का काम भी नहीं है। अच्छा, आप मेरे साथ आएँ। मैं इनको, आपका नाम क्या है? कंवल। कंवल इनका नाम है। आप यहाँ पर बैठिएगा सलमा जी, आप यहाँ पर बैठिएगा, अभी आपको लेते हैं। इनको हमने पर्ची दे दी है। मुझे 2 दफ़ा दिल अटैक हो चुका है, यहाँ से दवाई ले रहा हूँ मैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है मेरा, और मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आपको सिर्फ नंबर दिखाना चाहता हूँ हर रोज़, और ये क्लिनिक, अच्छा एक मिनट, मैं दिखाना चाहता हूँ, हर रोज़ 200 से ज़ायद लोग आते हैं। ये हमारी क्लिनिक का टाइम्स नहीं है क्योंकि मेरा शो सुबह 9 से 11 बजे होता है। इस वक्त जो इनको नंबर मिला है वो 204 मिला है, 204 नंबर मिला है, तो यू कैन इमेजिन, और अभी लाइन लगी हुई है। ये आपको सपोर्ट करना है, अगर जिन लोगों को नंबर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, अकाउंट नंबर नज़र नहीं आ रहे हैं, वो टेलीफोन नंबर जो है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट इन लोगों के लिए। अगर इन लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं कि इनको प्रोवाइड हो, तो फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा डोनेशन के जरिए, सपोर्ट करना पड़ेगा। वी एक्चुअली नीड डोनेशन। मैं जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वी नीड मेडिसिन, हमें दवाएँ चाहिए, हमें सरेंजेस चाहिए, हमें मैं हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से, वेदर इज आ खान और लियाकत नेशनल, हुएवर इट इज़, हमसे MOU लें, हम आपको मरीज भेजेंगे, लेकिन इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास देने के लिए। सो वी नीड टू सेंड यू पेशेंट्स। अच्छा,
साथ साथ इनका जिंदगी और मौत का मसला है, आप खड़ी हो जाइए मेरे साथ। इनको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ इस वक्त अंदर, अभी अभी मैं, क्या क्या मसला है? अच्छा अच्छा, अभी 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 ये वाली बच्ची है, ये लबे दम थी, ये लड़की देख लें, इस बच्ची को देख लें, ये लबे दम थी, इनकी धड़कन वगैरह रुक गई थी लेकिन बाद में इनको हमने रिवाइव किया और ये इसी क्लिनिक के अंदर रिवाइव किए हैं। क्या नाम है आपका बेटा? लाइबा। कैसी हैं आप? ठीक है। आप अच्छा फील कर रही हो? हाँ। अब तो बीमार नहीं हो ना? नहीं। यहाँ प्यार करो मुझे। थैंक यू जी लाइबा। लाइबा लाइबा अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदमों पे है और बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आइए जी, ये कमल हैं और ये इनकी रिपोर्ट है। और एक बात याद रखिएगा, आपको हैफेजर से अंदाज़ा होगा कोई चीज़ फैब्रिकेटेड तो है नहीं, जो चीज़ जहाँ से हो रही है। नवीन ज़रा इनको लेके आ जाएं, आ जाएं आप, आ जाएं आ जाएं। ये क्लिनिक है जी, मैं रोशन क्लिनिक में दाखिल हो रहा हूँ, दिस इज़ माई मदर्स क्लिनिक एंड लेट्स सी जी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्लिनिक है। क्लिनिक के अंदर भी रश है, ज़रा हट जाइएगा। ओरिजिनल डॉक्टर्स, नॉर्मल डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमने ये किया है। ये इट्स एन एयर कंडीशन क्लिनिक, लिटरली एयर कंडीशन क्लिनिक। ये एरिया जो है ये फार्मेसी का एरिया है, ये वाला, यहाँ से आपको फ्री मेडिसिन मिलती हैं। यू कैन कम एंड एक्चुअली चेक, एब्सोल्यूट फ्री मेडिसिन मिलती हैं। और आगे जो एरिया है वो डॉक्टर्स का है। मैं आप कि आप लोगों ने इसे बनाया ऐसा है कि मैं भी इलाज कर रहा हूँ यहाँ पे आके। यार वो इट ऑलवेज लुक्स कि वो होता है ना कि आप देखते हैं कि यार ये जगह अच्छी है, क्या मैं इलाज करा सकता हूँ। अच्छा, और ये देखें कि ये एरिया मरीजों का, चार बेडेड क्लिनिक है, ये चार डिफरेंट बेड्स जो हैं वो रखे हुए हैं, एक हिस्सा मर्दों का, एक हिस्सा खवातीन का है। इस वक्त मैं सबसे पहले, चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं डॉक्टर साहबा के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर साहबा के हवाले में मरीज़ करूँगा और इसके बाद डॉक्टर साहबा इनको चेक करेंगी। अगर इनके बच्चे की हार्ट बीट है तो बता देंगे और अगर इनके बच्चे की हार्ट बीट नहीं है तो फिर हम इनको यहाँ से रवाना करेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। इनको 4000 रुपए की ज़रूरत थी और इनके पास 4000 रुपए नहीं है कि ये अबॉर्शन करवा सकें। 4000 रुपए अगर फ़र्ज़ करें, कोई बात नहीं, काला शाला आता हूँ मैं, डजेंट मैटर। अगर ये, अगर इनको पैसा नहीं मिलता है तो ये मर सकती हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है, बकाई की रिपोर्ट है, आप क्या कहती हैं? मुझे पेशेंट देखना होगा। पेशेंट देखना होगा, मैं आपको पेशेंट दे रहा हूँ। आओ बहन, आप आ जाएं, आप आ जाएं। ऑलराइट, आप इधर बैठिए। ये डॉक्टर साहब पेशेंट देखती हैं, इतने मैं कुछ दूसरे लोगों से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या नाम है आपका? रानी कमल। आपका आपका क्या मसला है? मेरा मसला है, मैंने इंजेक्शन यूज़ किए थे ना, उसकी वजह से मेरे को सांस का मसला था। इंजेक्शन यूज़ किए थे, मेरे हाथ पाँव पूरे बैंड हो चुके हैं। तीन साल से मैं चारपाई के ऊपर हूँ, मेरे को चला नहीं जा सकता, मैं खाना पका नहीं सकती। इलाज के लिए मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे पास बेटा है मेरा। ओके, और इनको क्या हुआ है हाथ में? ये गिरने से हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है गिरने से। अब यहाँ पर इलाज होगा? मैं इलाज के लिए मैं ज़रूरी, मेरे को चाहिए कि मैं खड़ा होना चाहती हूँ बहुत, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के पास। ज़ेबा आपा वहाँ मौजूद हैं। ज़ेबा आपा, हमको फंड्स की ज़रूरत है, आपने बैठ जाइए वहाँ पे, आपने अपील करनी है और आपने ये बताना है। उमर राहिल मौजूद हैं, नवीद मौजूद हैं, हम सब ने अपील करनी है। और डॉक्टर साहब की तरफ मैं आता हूँ, आप लोग इधर खड़े हो जाइए। अमीम साहब आप भी आ जाइए। गुजार भाई, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्लिनिक कैसे चल रहा है? माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी एफर्ट्स है और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, बहुत इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप पूरी कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये आपकी एफर्ट्स को मैं सलाम करता हूँ। और बहुत शुक्रिया। अच्छा, कैमरा करके दिखा दे कि यहाँ पर मुसलसल यही मंजर होता है। हमारे पास जगह नहीं है, अब जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हमने एक और प्लॉट अक्वायर करने की कोशिश की है। 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा है ताकि वहाँ पर हम इनका विजिटिंग एरिया बना सकें, क्योंकि लोग जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद किसी भी 3 घंटे में आ रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये 24 घंटे की क्लिनिक हो जाती है तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे। यू कैन पॉसिबली इमेजिन, एक महीने में हम लोग 6000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। आपा, नंबर्स जो है, अकाउंट नंबर, वो लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं, वो अकाउंट नंबर, टेलीफोन नंबर चल रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि उन नंबर्स पे कॉल करके डोनेशन कर दें। जो टेलीफोन नंबर चल रहे हैं आप उस पे फ़ोन करें और अपने पैसे जो भी आप देना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी आप करें। और ये 2 करोड़ का टारगेट है हमारा, 2 करोड़ का टारगेट है। और ये इतना नेक काम है कि इसका ज़िंदगी भर सब चीज़ें यही रह जाएंगी, यही हमारे साथ कब्र में जाएगा अगर हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो। हम इसको प्रॉपर्ली स्टूडियो से करेंगे, इसका स्टूडियो से भी करेंगे इंशाल्लाह, फ्रॉम द स्टूडियोस। हां, तो क्या आज लोगों को इंट्रोडक्शन हो गया ना? अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं?
मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं या फैमिली पे खर्च करते हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इन बच्चों पे इन लोगों पे जो खर्च करेंगे वो सदका जारिया बन जाएगा। मुझे जितना ज़्यादा डोनेशन दे सकते हैं वो दीजिए। मैं एक बड़ी हैरत की बात अभी मैंने सोची कि ख़वातीन पाँच पाँच हज़ार के सूट ख़रीदती हैं अपने लोन के, और एक ऐसी खातून जिसके पेट में उसका बच्चा मर गया उसके पास 4,000 रुपये नहीं है, इससे ज़्यादा दुख की क्या बात होगी। इस फीलिंग को महसूस करें, इस दुख को महसूस करें और सोचें अगर कुछ लोग चाहते हैं कि ये नेक काम हो तो ज़रूर करें। और वो जिन खातून का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम कमल है, और डॉग साहिबा अभी आप देख सकते हैं कोई चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं है, रियल टाइम है। ये ले लीजिएगा, ज़रा इनको ले लीजिएगा ताकि पता चल सके कि वहाँ पर डॉक्टर साहबा देख रही हैं। अब वो वहाँ मत दिखाएं, ये देखें कि डॉक्टर साहबा मौजूद नहीं है और वहाँ पर ले गए उनके, उनको अब वो चेकअप हो रहा है। अगर उस चेकअप के अंदर ये पता चला कि ये बच्चा जो है ये ज़िंदा नहीं है तो हम इनको पैसे दे के इनको अबॉर्शन के लिए कहीं भेजेंगे। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँगा आपकी क्या फीलिंग्स हैं। गुजार भाई कैसा लगता है आपको, आप ये सब कुछ देख रहे हैं? हाँ, क्या अच्छा है बाबा, बहुत बेहतर है, बहुत सुकून हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये मैं ये बहुत, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, कहा दवाई भी लिया, 3-4 दिन का दवाई खा लिया, मैं सुकून में बिस्तर हो रहा था, बहुत आराम आ गया, बहुत आराम आ गया। अल्लाह का हाथ उठा कर अल्लाह तू अल्लाह ये काम ही कर दो, हम लोग किधर बस करेंगे ये गरीब आदमी का मोहल्ला, अल्लाह तू दे तेरे हाथ उठा के हम ऑपरेशन का आदमी है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल मिल जाएंगे ऑपरेशन करता हमारा सुकून होगा, अल्लाह तुझे नाला है, अल्लाह भी रब बना हजरा भी दिया हजरा तामिल आखिर आते भी यार रखवा से किया रहा हमारे राह भी अल्लाह हम्दुलिल्लाह रब बना अल्लाह भी अल्लाह हुआ भी अल्लाह हुआ भी अल्लाह हुआ भी बाबा अल्लाह अपने बच्चे मुंतखब करके भेजता है। बहुत है, आपकी बात सुनी गई है और अल्लाह ने आपके लिए बंदों को मुंतखब किया है। शायर लोधी के लिए दुआ करें, अल्लाह इसको हिम्मत दे और हम सब इसके साथ ये काम करें और अल्लाह ताला जरिए बनाता है। यार मैं एक बात कहता हूँ ये सबको बोल रहा हूँ, कल को अगर मैं नहीं भी हूँ ये इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत में रखे और जिस दिन मेरे दिल में कोई बेईमानी आए मुझे सफा हस्ती से मिटा दे, क्योंकि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये लोग आप इनसे, मैं इनकी बात सुन रहा था, इनसे बोला भी नहीं जा रहा, ये मेरे वालिद की जगह है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा, ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी दवा से आराम आ गया। वो मेरी वाइफ ने अभी मुझे फ़ोन किया है और बोली बोली वो मुझे ये कह रही हैं कि हम जो सामने वाली जो जगह ले रहे हैं वो ना लें और इसी में ही इतना एरिया हम और इसी को एक्सपेंड कर देते हैं, और इस पर जो इसके ऊपर जो इंटीरियर डेकोरेशन पर जो खर्चा आएगा वो भी वो कह रही है कि मैं पे करूँगी सारा, यानी कि जो अभी क्लिनिक का उन्होंने भी आकर देखा नहीं कितना एरिया है ये, तो मैंने उनको बताया था ये टोटल 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हमने क्लिनिक को डोनेट किया था, तो कह लेंगे 1500 आप इसको और कर दें। वाह क्या बात है, क्या बात है यार, तो मैं ये खुशी की खबर बता सकता हूँ बाहर जाके? बिल्कुल बताइए, आप बिल्कुल बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं मुर्ज़ा भाई, क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो कोई फीलिंग नहीं है, बस आपको देख रहा हूँ भाई, ये आपको इसका अल्लाह के पास, इसका अजर अल्लाह के पास ही है, हमारे पास जबान नहीं है, हम लोगों का जबान नहीं है भाई, किसी बात नहीं, देखिए इसकी जरूरत है भाई, सर भाई ये आपको अल्लाह पाक ने आपसे राजी हो गए, अल्लाह पाक ये सब राजी तो हैं, जमीन का आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तो नीचे नहीं आते ना किसी, वो अपने बंदों को मुंतखब करके भेजते हैं और करना उसी की ज़ात ने, लेकिन वो जरिए बनाते चले जाते हैं दुनिया में, जहाँ जो देख रहा है पता नहीं कहाँ कौन अपने घर में अपने ऑफिस में अस्पताल में, उसको चाहिए कि इस चीज़ में आपके साथ शरीक हो, क्योंकि वाकई एक नेक नियती का प्रोग्राम है, इसमें कोई अपने घर में पैसा नहीं ले जाएगा, कोई अपने कपड़े नहीं बनाएगा, कोई अय्याशी नहीं करेगा, हमने कह दिया है कि आए किताबें यहाँ की चेक करें, हिसाब चेक करें, इतने अच्छे नेक लोग बैठे हुए हैं, ज़रूर इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो। और सारे लोगों का ये मौजे बेकरां देखकर, ये सरों का समंदर देखकर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने आपकी दिल की पुकार सुन ली है, जिस मकसद के लिए आप आगे बढ़े थे लोग उसमें शामिल हो गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में नहीं सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग, पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, आए आगे बढ़ें और इस SLF में साहिर लोधी फाउंडेशन में इन जैसे लोगों की तरह, गुलजार साहब की तरह, डॉक्टर फैसल की तरह, इनकी तरह और हम लोगों की तरह, हम तो बिल्कुल नाचीज़ हैं, एक ज़र्रे हैं, लेकिन
आपके साथ शामिल होकर हमें खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम भी महताब बन गए हैं, आपकी तरह चमकने लगे हैं। कल हम हो ना हो, लेकिन ये रोशन क्लिनिक, ये साहिर लोधी फाउंडेशन इसी तरह चमकती रहेगी, दमकती रहेगी, इंसानियत की खिदमत करती रहेगी। और अल्लाह ने आपके लिए, अल्लाह ने आप लोगों के लिए, इंसानियत के लिए साहिर लोधी को मुंतखब किया है। इनके दिल के जज्बे इतने सच्चे हैं कि सब इनके साथ शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं। वही बात है कि लोग आते रहे, काफिला बनता गया, और आज देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आपने बहुत बड़ा काम किया है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा साहिर भाई कि देखिए, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल की तकलीफ़ या उनका दर्द क्या था? जिंदगी हयात थे तो भी उम्मती उम्मती, और पर्दा फरमा गए हैं तो अभी भी साहिब नज़र लोग देखते हैं कि उम्मती उम्मती। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ान, आपके अनवारात उन लोगों की जानिब बढ़ रहे हैं जो आपके गम में हाथ बटा रहे हैं, आप उनके गम में हाथ बटा रहे हैं। आपका गम क्या था? अल्लाह का हुक्म क्या था? वो यही था कि अल्लाह क़यामत के दिन बंदे से पूछता है कि मैं बराना था तूने पहनाए, मैं भूखा था तूने मुझे कपड़े, मैं बीमार था तूने मेरे इयादत के लिए आया। बंदा कहेगा या अल्लाह आपको इयादत की क्या ज़रूरत थी, आप कब बीमार थे? अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा फलाना बंदा रोज़ी गोट में बीमार था तो तुम क्या कर रहे थे? तुम तो अपने हकूक़ लिबात किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए कर रहे थे, और साहिर लोधी गर्मियों की धूप में गुलजार मुग़ल डॉक्टर फैसल के साथ मिट्टी और खाक छान रहा था रोज़ी गोट की। अल्लाह ताला आपको बेपरा कामयाबी नसीब करे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बेटी का ही मुझे फ़ोन आया, जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है MBBS की डाउ मेडिकल कॉलेज में। जाहिर है शी इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह, जैसे ही वो कंप्लीट करेगी। उसने अपनी तरफ से 50,000 रुपये डोनेट करने का ऐलान किया है। डॉक्टर रोमैसा खान, उसने 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। अल्लाह ताला हमारे इस छोटे छोटे चीज़ों को अपनी राह में कबूल फरमा ले, आपको कामयाबी नसीब करे। आमीन। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मुझे एक कॉल आई लाहौर से अब्दुल्लतीफ़ साहब की, उनकी तनख्वाह माहाना 7,000 रुपये है, और वो कह रहे हैं कि मैं हर महीने लाइफ टाइम जब तक हूँ 500 रुपये SLF फाउंडेशन को दूंगा। मैं अगर आप लोग इजाज़त दें तो आप लोगों के साथ जाके मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनके वेटिंग एरिया का इंतज़ाम हो गया है, और जब हैं आवाज़ जा रही है। अच्छा, आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? अगर आवाज़ जा रही है तो ज़रा शोर मचा के बताएं, आवाज़ जा रही है, शोर मचाए, तालियां बजाएं। जा रही है। आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ धूप में गर्मी में इंतज़ार, यार मैं उधर ही जाऊँ तो अच्छा है? ऐसे नहीं यार। आप अपना काम शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? अच्छा ब्रेक में जाता हूँ। अभी मैं डॉक्टर साहिबा ने देख लिया है कंवल का जो केस है वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। कितनी देर है ब्रेक में? 1 मिनट टू ब्रेक। अच्छा, मैं बताऊंगा कंवल का क्या हुआ है, ये अभी नहीं पता है। हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि क्या कंवल के पेट में मौजूद बच्चे की धड़कन खामोश हो चुकी है। कंवल के हस्बैंड जो है उनके पास 4 महीने से कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए कंवल के पास 4,000 रुपये भी नहीं है। मैं यार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब से कहता हूँ, सर मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं प्रेसिडेंट साहब से कहता हूँ, सर मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं इमरान खान से लेकर तमाम के तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी का झंडा नहीं लग सकता, लेकिन मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा नाम साहिर लोधी है और मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं इसके अलावा कुछ नहीं हूँ, मेरी और कोई पहचान नहीं है, और मैं एक आम पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। कंवल का क्या होगा ये मैं आपको बताऊँगा इस ब्रेक के बाद। क्या कंवल को यहाँ से अस्पताल भेजना पड़ेगा? और ये याद रखिए कि अगर इनका फीटस इनके पेट में ख़त्म हो चुका है तो इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बेहद टफ़ है। ज़िंदगी और मौत की जंग है जो कंवल लड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे तो सुबह में है। Once again, welcome back। मेरे पास ये 30 रुपये मुझे अब्दुल गफ्फार ने दिए हैं, अब्दुल गफ्फार के लिए बहुत सारी तालियां। वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाते, लेकिन 30 रुपीज़ का डोनेशन मेरे पास आया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। साथ 50 रुपये का डोनेशन मुझे आपने दिया, आपका नाम क्या है? नसीम ने दिया। नसीम के लिए बहुत सारी तालियाँ। अच्छा जी, 20 रुपये, 100 रुपये, बहुत बहुत शुक्रिया, ये रखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात, पर्चियाँ
जी जी बस बस ठीक है, थैंक यू अभी ले लेते हैं, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग खुद दे रहे हैं, ये पकड़े रखें, मुझे वो पर्चियाँ दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे एक न्यूज़ शेयर करूँगा। आपको मैंने कहा है कि हम 200 पेशेंट देखते हैं हर रोज़, ये लेटेस्ट पर्ची बनी है जो आज सुबह की, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लिनिक 3 से 6 बजे खुलती है। ये सब गवाही देते हैं इस बात की, एक मिनट गवाही देते हैं। अब आप ये देखिए, ये एक पर्ची पे 3 पेशेंट्स हैं, 385, 386, 387, यानी 387 पेशेंट्स इस वक्त तक नंबर लगा चुके हैं अपना। हमने एक काम किया है, अभी हमारे पास इत्तला आई है, रोजीना जो है गुलजार साहब की मिसेज, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 1500 स्क्वायर फीट की जगह बाहर नहीं बल्कि अंदर आपको दी जा रही है, ताकि आप लोग वहाँ पर एयर कंडीशन में बैठ के इंतज़ार कर सकें अपनी बारी का। और ये बात मैं अंदर से नहीं बताना चाहता था, क्योंकि आप यहाँ धूप में खड़े हैं तो मैं भी यहाँ धूप में खड़ा हूँ। अब मैं आपको ये पर्चियाँ पकड़े, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि केसेस कौन कौन से हैं, ताकि आपको, मुझे, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे आपके डोनेशंस का इंतज़ार है। अगर आपको अकाउंट नंबर सही नज़र नहीं आ रहा है तो आप, बहुत बहुत शुक्रिया, ये ले लीजिए, थैंक यू सो मच, तो आप टेलीफोन नंबर जो है उस पर कॉल कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, 6000 पेशेंट हम कह रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि अगर 300-400 पेशेंट हम डेली देखेंगे तो हम कितने पेशेंट्स को देखेंगे। रखिए इसको अपने पास, तो हम कितने, अच्छा एक मिनट, पर्ची बनेगी, आप इमेजिन कीजिए कि कितने लोग होंगे जिनको हम रोज़ देख रहे होंगे। 400 के हिसाब से अंदाज़ा कीजिए, 12000 पेशेंट्स हम देखेंगे हर महीने। यहाँ पेशेंट्स बेतहाशा दूर दूर जगह से आते हैं, मेमनगोट से आते हैं, यहाँ पेशेंट्स लियारी से आते हैं, यहाँ पेशेंट न्यू लियारी से आते हैं, सरजानी से आते हैं, गुलशन हसन बरोई गोट से आते हैं, कहाँ पे हसन बरोई गोट, और नदी के पार भट्ठों की तरफ नदी के पार। और मैं आपको कुछ, इनको बहन अंदर लेके जाए, अस्सलाम वालेकुम सलाम कर रहा हूँ। ये क्या हुआ है बच्ची को, आप ये देख लें इस बच्ची को, थैंक यू बेटा, इस बच्ची को ये दाने हो रहे हैं, ये सर पे पूरे दाने हैं, ये थोड़ा सा केस ऐसा है जिनको हमको फ़ौरन ट्रीट करना पड़ेगा, इनको ज़रा अंदर लेके जाएं प्लीज़, अंदर लेके जाइए, साथ कुछ और लोग। हाँ जी, बच्ची की पर्ची बना के दो, इसको हर दम पासे में दर्द उठता है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है जो मैं इसका इलाज करवाऊं। ऑलराइट, बस ठीक है। अच्छा मैंने आपको, या ये किसका है, ये आपका, आपको क्या बीमारी है? मुझे ना ये पासे में दर्द होता है और मैदे में दर्द होता है, तो मुझे ना वो रसोली बताई है। अच्छा ये आप रखिए, अभी आपसे हम बात करते हैं, आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए। हाँ जी बोलिए। बच्ची मेरी जो ना, इसको नज़र नहीं आता ना एक आँख से ना, वो पहले ऑपरेशन करवाया है लेकिन सही नहीं हुआ ना ऑपरेशन, तो इसको रात को नज़र नहीं आता, दाने वाने बहुत इसको। ये ज़रा देख लें, इनको देख लें, ये देखिए। और एक बात और, आपको पानी का मसला है ना, या इवन पीने का पानी का? अब एक मिनट, मिसेज इमरान शेरवानी ने बड़ा वाला वाटर कूलर पानी का डोनेट किया है। अब आप जब ठंडे पानी का 50 से 100 बंदों का उसके एक वक्त के अंदर, उसके अंदर हम मुसलसल डालते रहेंगे तो अब आपको पानी भी मिलेगा। मेरी कोशिश ये है कि हम आपको अंदर ले जाएं, ताकि आपको यहाँ बाहर बैठ के वेट ना करना पड़े। मैं बहुत माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। आप मुझे बताइए, आपको ये क्लिनिक चाहिए? आपको कैसा लग रहा है क्लिनिक? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको लगता है कि आपका इलाज हो रहा है यहाँ पे, फायदा हो रहा है किसी को? फायदा, अच्छा फायदा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। मैं तो डॉक्टर लेडीज़ों के लिए ज़्यादा हूँ, बच्चों के लिए, क्योंकि रात में अगर कोई मसला हो तो हम बच्चों को कहीं लेके जाने देंगे, कोई गाड़ियों का इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, रात में निकल नहीं सकते हम लोग, रात को नहीं जा सकते यहाँ पे से रात। अब मैं आपको ये बताऊँ, अब आप सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। आप लोग ये समझते हैं ना कि रात को आप लोग अगर बीमार हो जाए तो कहीं नहीं आ सकते? मार्च में, नेक्स्ट ईयर 2016 मार्च में हम लोग इंशाल्लाह ताला इसी क्लिनिक को 24 घंटे कर रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम क्या कौन जी, अस्सलाम वालेकुम मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। जी आप आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज़ आ रही है तो सहल भाई, आप बहुत
अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या कहा है इन्होंने, लेकिन कुछ अच्छी बात की होगी, तो इसलिए आप लोग इनके लिए भी तालियां बजाई दीजिए, कुछ अच्छी बात की होगी। अच्छा, 2000 रुपये महीना देना चाह रहे हैं, ये 2000 रुपये महीना देना चाह रहे हैं, शाबाश। और आपको अकाउंट नंबर नज़र आ रहा होगा, अकाउंट नंबर पे आप पैसे भेज सकते हैं, और अगर अकाउंट नंबर नज़र नहीं आ रहा तो आपको फैसल का नंबर है, फैसल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जी फैसल जी, जी लोग अंदर आ गए ना। एक कारी साहब है जो गिलगित से जिनका ताल्लुक है, और ये इसी तरह से पाकिस्तान बनता है और इसी तरह से हम बनेंगे। उन कारी साहब ने जिनकी तनख्वाह 5000 रुपये है, 500 रुपये हर महीने आप लोगों को देने का ऐलान किया है। अच्छा, आपको कंवल का, नवीद आ जाओ, कंवल का आपको पता है ना कि कंवल का क्या हुआ था। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं आपको कंवल के बारे में बताऊंगा। मैं ये खबर आपसे शेयर करना चाहता था कि आप लोग आप मेरे साथ आ जाइए, आप बहन आ जाइए मेरे साथ, आपको हम अंदर लेके जाएंगे। कंवल का मैंने आपको बताया था कि कंवल के पेट में बच्चा था और वी डिड नॉट नो कि आपका इलाज हुआ। मैन आपको देख लिया डॉक्टर ने, क्या देखा, रिपोर्ट नहीं मिली, हमारे को तो नहीं दी उसने। किसने नहीं दी पता, किसको तू दिया सी अम्मा दी रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, अभी आप बैठे हैं, अभी आप बैठे हैं, अभी आप बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मा की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट किसके पास है भाई, लीजिए। आइए जी, आइए आइए, ये आपका, अच्छा यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा के पास जा रहा हूँ, इस वक्त डॉक्टर साहिबा के पास जा रहा हूँ। आइए, कंवल के बारे में हमने बात करनी है, कंवल को बुलाइए, कंवल को बुलाएं, हटिएगा ज़रा, हटिए ज़रा, हटिए ज़रा, हटिए, हट जाइए, आप बैठें बहन, आप बैठें बैठें। ये वही बच्चा है, ये देखिए जिनकी हमने रिक्वेस्ट की थी, ये वही खातून है जिनको आपने वहाँ देखा था, क्या कह रही हैं? इनको दिखाना था मुझे, ये मेल न्यूट्रिशन बच्चा है, 9 मंथ्स है इसकी, इसकी उम्र 9 महीने है, और देखिए इसको मेल न्यूट्रिशन की वजह से तमाम तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं इसको, और इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी, एवरीथिंग डेफिशिएंट है ये, और इसका इलाज बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा इसको, मतलब ये कि स्पेशलिस्ट को दिखा के इनका फुल इन्वेस्टिगेशन करना होगा, और ये लंबा इलाज है, समझते भी नहीं ना, तो इनको ज़रा काउंसलिंग की हॉस्पिटल में हो जाए तो अच्छा है। चलिए, नो नो इशूज़, नो इशूज़, आप बाहर बैठे हैं, आपसे अभी ओके जी बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी देखते रहे, दूसरा कैमरा जो है वो मर्दों को भी देखते रहे, मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ लेकिन मुसलसल डॉक्टर्स देख रहे हैं, और ये सारा मंजर इसी तरह से होता है नवीद, 3-3 घंटे इसी तरह से होता है, और जब 24 घंटे होंगे तब भी ऐसे ही होगा। तुमको कैसा लग रहा है? I'm amazed और मैं सरप्राइज हूँ कि इस तरह से लोग आ रहे हैं, उम्मीद लेके इस तरह से चलिए। सबसे पहले तो सलूट टू यू एंड द मेल डॉक्टर, जिस तरह से आप लोग लोगों को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, इन्होंने आइडिया भी दिया है कि वी शुड हायर अ काउंसलर ऑल्सो, हमें यहाँ पे काउंसलर भी रखना चाहिए, सो दैट ही कैन, हाँ हम खुद भी प्लान कर सकते हैं इनको, और इसलिए कि क्यूट डायरिया में रोज़ आएंगे, आप कुछ भी दे दें इनको रोज़ आएंगे, ऐसे काउंसलिंग नहीं है, एक काउंसलर की भी ज़रूरत है। एनीबडी हु वांट्स टू वर्क एज अ वॉलंटियर, जो इसकी सराउंडिंग में रह सकते हो, आपको माइक दें, अच्छा ओके। ऐसा बंदा जो, या ऐसी खातून, या ऐसे जो अपने पास थोड़ा सा टाइम हो, कोई स्टूडेंट हो जो सरजानी में रहते हो, okay. और कोई स्टूडेंट हो वो यहाँ 2-2 घंटे की भी ड्यूटी दें, और इस तरह कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, तो एक, एक, एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, इधर आइएगा, ब्रेक के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कंवल का क्या हुआ था। अली हमारे पास टाइम होगा अस्पताल दिखाने का, वहाँ हम जा सकते हैं? टाइम नहीं होगा, अच्छा वहीं से जाना पड़ेगा, तो हम जा सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंवल के साथ हुआ क्या है, क्या कंवल की ज़िंदगी खतरे में है या कंवल ठीक है, कंवल का चेकअप डॉक्टर साहिबा ने किया है, रिजल्ट इनके पास है। एक छोटा सा ब्रेक होगा, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद कंवल की डिटेल मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कह नहीं कर सकता, मैं बात कर सकता हूँ, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर सकता हूँ, ओके
लाइए लाइए जल्दी दे दी जल्दी 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 लाइए माइक दीजिए जी जी माइक दीजिए मुझे जल्दी से थैंक यू जी थैंक यू पकड़ा है मुझे थैंक यू ये ले लीजिए ओके जी अब ठीक है इज इट गुड सही है ओके जी कमल के हम डॉक्टर साहबा के पास हैं और इसके बाद मैं आपको अस्पताल लेके जा रहा हूँ जी डॉक्टर साहबा आपने कमल को देखा था क्या इत्तला है कमल के जो रिपोर्ट है वो मुझे फिलहाल तो फेक ही लगती है जो वो वर्बली कह रही है और जो उनको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा है ऑन चेकअप जो है शी इज फाइन टिल नाउ और रिपीट स्कैन शुड बी डन आफ्टर 15 डेज शी हैज नो ब्लीडिंग नथिंग ओके हम ये कह सकें कि इसका बच्चा जो अंदर सूख गया है और ना उन्होंने लिखा है ये लेकिन अल्ट्रासाउंड करने वाले ने शायद इनको फीडबैक दिया है कि आपको सफाई कराएं अगर हम इनकी अभी सफाई कराते हैं तो हम सब गुनहगार हैं माशाल्लाह और अगर आप इमेजिन कीजिए अगर ये क्लिनिक इस वक्त नहीं होती और इनकी सफाई करवा देते तो फिर हम सब के सब गुनहगार हो जाते इमेजिन कीजिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सलाम है आपको और बहन कैसा लग रहा है आपको आपका बच्चा ठीक है जी अच्छा लग रहा है मुझे इससे खुशी की क्या बात है मेरे लिए बस बहन आप ख्याल रखिए सब अच्छा है एक एक बहन ने मुझे यहाँ से कहा था मेरे पास 15 सेकंड है मैं उनसे बात करूंगा उसके बाद हम बाहर जाएंगे मैं आपको अस्पताल दिखाना चाहता हूँ जी बहन आप बताइए जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इतने साल से मैं एक माजूरी के अंदर बैठी हुई अपने बच्चे संभाल रही हूँ लेकिन इतनी गरीबी है कि हम अपना इलाज भी नहीं करा सकते अपना अब एक बात अब जब मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल बनाने जा रहे हैं हम लोग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपका इलाज भी होगा आइए सब पूरी टीम आएगी आइए आइए सबके सब सबके सब सबके सब आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए पूरी टीम या आ जाइए आप आ जाइए सब बुला रहा हूँ मैं आपको सबको सलामुअलैकुम हम इस वक्त जा रहे हैं अस्पताल की तरफ मैं अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टर फैसल से उधर हैं आ जाइए गुलजार भाई सब एवरीवन एवरीवन उमर अहिल को बुलाइए जेबा आपा को बुलाइए मिल जाइए मिल गई आप बैठिए तशरीफ रखिए अच्छा जी मैं यहाँ से चल रहा हूँ और कैमरा कहाँ पर है कैमरा यहाँ पर है अच्छा जी मैं जा रहा हूँ फैसल मेरे साथ चलो आ जाओ मैं भागता हुआ जा रहा हूँ मैं आपको उस एरिया में लेके जा रहा हूँ इस वक्त जहाँ पर हम अस्पताल बना रहे हैं ये वाला माइक है ओके जहाँ पर हम अस्पताल बना रहे हैं मुझे नहीं पता कि मुझे दोनों माइक्स पकड़ने हैं या नहीं पकड़ने लेकिन गॉड आई एम टायर्ड लेकिन वो सिर्फ आपने क्लिनिक का हाल देखा है हाँ मैं आपको अस्पताल की ज़मीन पर लेके जा रहा हूँ ये वो ज़मीन है जहाँ हम अस्पताल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं 7 मंजिल का स्टेट ऑफ द आर्ट 100 बेड का अस्पताल 10 CCU यूनिट 10 NIC यूनिट 10 IC यूनिट्स इसके एंजियोग्राफी कलेक्शन लैब्स ऑपरेशन थिएटर ये सारी की सारी तमाम तक टेस्ट जो होंगे वो किए जाएंगे और ये मेरी टीम जो है वो भी वहाँ पे आ रही है मेरी टीम को बुलाएं डॉक्टर उमर अहिल को बुलाइए जेबा आपा को बुलाएं सबको बुलाइए अच्छा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ ले जाना चाहता हूँ आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी स्पेस है यहाँ पर जब हम आएंगे अब हम उस अहाते में दाखिल हो रहे हैं ये सारी बाउंड्री जो है ये अस्पताल की है ये जितनी बड़ी बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सारी की सारी अस्पताल की बाउंड्री है हमने ये बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करवा दी है अब यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू होनी है इस अस्पताल के अंदर 2 एयर एम्बुलेंसेज होंगी 15 बसेस शहर के अंदर चलेंगी 15 एम्बुलेंसेज शहर के अंदर चलेंगी पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान से और एक रुपया एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा 7 मंजिला अस्पताल होगा जिसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो इमरजेंसी है बेसमेंट जो है वो सारी लैब्स हैं उसके अलावा हर फ्लोर पे 20-20 बेड्स हैं और 10 ICU यूनिट्स हैं 10 CCU यूनिट्स हैं 10 NICU यूनिट्स हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर है और साथ में उसके ऊपर 2 एयर एम्बुलेंसेज हैं या दैट मीन्स 2 हेलीकॉप्टर्स हैं मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये सारा एरिया जो है ये अस्पताल का है जितना भी एरिया है ये सारा का सारा अस्पताल का है एंड आई ऑनेस्टली होप दिस इज गोइंग टू बी रोशन हॉस्पिटल लोधी फाउंडेशन का रोशन हॉस्पिटल होगा और ये 3 साल में बनेगा 16 जून 2018 इसकी कंप्लीशन डेट है मुझे आपकी मदद चाहिए आपने क्लिनिक में देखा था और आप सब ने विटनेस किया है कि 400 लोग डेली के हिसाब से क्लिनिक में आ रहे हैं 400 लोग डेली के हिसाब से क्लिनिक में आ रहे हैं और इन 400 लोगों को हर रोज़ आपकी मदद की ज़रूरत है अब इमेजिन कीजिए कि 12,000 पेशेंट्स हम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में डेली देखते हैं 3 घंटे में 30 दिनों में 12,000 पेशेंट्स देख रहे हैं अब इमेजिन कीजिए जब 24 घंटे हो जाएगा तो हम कितने पेशेंट्स देखेंगे यहाँ पेशेंट सिर्फ यहाँ से नहीं आते हैं बल्कि 15 स्क्वायर माइल के रेडियस से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और आते हैं
और आते हैं। फैसल, फैसल क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ताला जो टाइम हमने दरकार आपसे बात की है साहिर ने, 2 साल के अंदर इंशाल्लाह उससे पहले पहले स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। और ये ऐसा हॉस्पिटल होगा कि हमारे शहर में, पूरे मुल्क में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे ज़्यादा एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी होगी, और सिर्फ गरीब लोगों के लिए। वो मरीज़ जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास इतना नहीं है कि दवा ले सके, यहाँ पे आएंगे, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम दवा मिलेगी, और जिनके ऑपरेशंस होंगे इनको लाइफ टाइम फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। और इसके लिए हम डोनेशंस के लिए आपके पास भी आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हम अमेरिका, यूके, दुबई, हर जगह जाएंगे, आप लोगों से हम जिद करके पैसे लेंगे और आप लोगों को देने पड़ेंगे हॉस्पिटल के लिए। एक खुशखबरी ये है कि अनवर अली शमसी साहब आज 3 बजे दुबई से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो इस हॉस्पिटल का डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं। कल इंशाल्लाह हमारी पहली मीटिंग है SLF की, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा डिज़ाइन वर्क जो है ना वो कंप्लीट है इंशाल्लाह। बस गुड लक हमारे लिए और आपके लिए, और इस जगह के रहने वाले दुआ करें इंशाल्लाह वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाएंगे। उनको कम से कम सेहत और बीमारी के लिए जो रास्ते बना रहा है अल्लाह ताला, उसमें दुआ करें और साथ दें सब मिलके। बस जितना डोनेशन दे सकते हैं, देश सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, स्कूल और बाकी तमाम चीज़ें भी यहाँ पे बनेंगी, तो लिहाजा डोनेशन जितना दे सकते हैं दीजिए। बस मैंने आपसे, इमाम साहब जल्दी से कह दीजिए कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हस्पताल बना रहा है हमारे गुलजार भाई की तरफ से, कि हमें बहुत खुशी है और हम दुआ भी करते हैं, आपके लिए भी दुआ करते हैं और गुलजार भाई के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस हस्पताल को कामयाबी कामरानी अता फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला कामयाबी दे, आपकी सेहत में भी उम्र में बरकतें दे और हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमा दे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये शो था आज का, आई होप कि आपने देखा होगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, जी एक सेकेंड, इतना याद रखिएगा कि आपके डोनेशंस की ज़रूरत है, अकाउंट नंबर चल रहा है, टेलीफोन नंबर चल रहा है, आप हमें हमारी मदद कीजिए, बहुत शुक्रिया। कल पाकिस्तान की तारीख का, ये मेरा वादा है आपसे, पाकिस्तान की तारीख का हम सबसे बड़ा जश्न आज़ादी का शो करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का, कल पाकिस्तान की तारीख का आज़ादी का सबसे बड़ा शो करेंगे हम। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बस हम यही कहना चाहते हैं, मैटरनिटी बहुत खुशी है और हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मैटरनिटी हम ज़रूर बनाएँ, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर हैं बड़े, तो जाने हम, आप फिक्र नहीं करें, सब बड़ा अस्पताल भी यहीं बनेगा। और आप जहाँ तक ये क्लिनिक है, इसके साथ ही एक कुछ हम मैटरनिटी होम भी, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं किन किन के बारे में, छोटा सा एक ब्रेक है जी आपके और मेरे दरमियान 9 बजे का, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का सबसे बड़ा शो कल सुबह 9 बजे लाइव ऑन समा, पाकिस्तान जिंदाबाद।